नमस्कार, जय जगन्नाथ। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज मैं बनाने जा रही हूँ प्रोटीन से भरपूर ये चावल। आप अपने बच्चों को लंच में जरूर दीजिए इसे। फिर इसे बनाते हैं, इसके लिए मैंने प्रेशर एक लिया है। अब हम इसमें 2 कप पानी ऐड कर देंगे। मैंने 1 कप चावल के लिए 2 कप पानी लिया है। अब हम इसमें 2 तेज पत्ता, 1 टीस्पून नमक, 1/8 टीस्पून हींग और 1 टेबलस्पून देसी घी, गाय का घी डाल देंगे। अब ये है हल्दी, ग्रेट किया हुआ अदरक और रोस्टेड मूंग दाल। ये है स्प्राउटेड मूंग दाल, 1 कप स्प्राउटेड मूंग दाल डाल देंगे। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल और रोस्टेड मूंग दाल को पहले आधा घंटे से पहले धोकर रख दीजिए, फिर इसमें ऐड कीजिए। अब हम इस सारे चीज़ों का अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून चीनी ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसे डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन डालने से जो टेस्ट है थोड़ी सी अच्छी लगती है। फिर जब पानी अच्छी तरह से बॉयल होने लगे, फिर हम इसका लिड बंद कर देंगे। हाई फ्लेम में ही इसको रख देंगे। जब एक हुईसेल आने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। जब अच्छी तरह से गैस चली जाए कुकर से, हम फिर लिड ओपन करेंगे। अब हमारा मूंग दाल की चावल एकदम रेडी हो गई है। प्रोटीन से भरपूर है ये चावल। आप अपने बच्चों को लंच में इसे दे सकते हैं। बस 10 मिनट में बनकर रेडी हो जाती है। आप इसे एक बार जरूर बनाकर देखिए। आप इसे दही या पापड़ के साथ एंजॉय कीजिए। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं क्या अगले नई वीडियो पर। टाटा बाय बाय।